राम राम। और एक कहानी बताऊंगा सास और बहू की, कुंडली का मिलान की। कहानी पसंद आए सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। एक बुढ़िया थी सास, तो वह ज्योतिषी में ज़्यादा विश्वास रखा करती। मतलब जो राशि का यदि आवे है टीवी पर भी आ जाए उस राशि फल में राशि में बहुत ध्यान रखा करती वो। तो किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि भाई मालिक को बता दे ज्योतिषी कि इस बात पे खतरो है आज, तो उस बात ने वह जरूर मान्या करती। हफ्ता हफ्ता भी मान्या करती, एक दिन की बताऊंगा तो हफ्ता मान लेंदी, तो ध्यान रखा करती। तो एक दिन उसने सुन ली भाई आज पानी तो खतरो है, तो पानी को खतरो सुनिया पाछा उसका यह होगी कि मैं पानी पीवा भी को नहीं करे, मैं पानी पी लू कि खतरो हो जा, बर्फ बर्फ को टुकड़ो मुँह में टेक ले उस अल्लाह कट हो जाएगा आतिश मिट जाएगी, पानी का हाथ ना लावे ना और किसी ने लगा दे। तो उसकी बहू ने बेरो कौन था बात को, तो वह अपना पोचे लग गई मारन, पोचे मारन लग गई, तो उसने बेरो पाटी को आई बाजी बहू ये के करन लग रही है, पानी तो आज नहीं है ना खतरो से पानी तो आज को पड़ गयो तो पटकिन तो पोचो लगाने लग रही। तो बहू मानती को नहीं विश्वास ने अंधविश्वास ने, तो वह माथा माथा मारा के करूँ तेरों में क्यों कर तो तन भुगतो और ना मैं तन देख के रो सकूँगी, जरोंगी या सुहाऊंगा तो तू फिर नू कहगी तेरा आख्या मासू आ गया इस दिन मन खतरो हो गयो तेरों के इलाज करूँगा। तो उनकी सासू बहुआ की दोनों की सारी बार तो तू मम्मा रह बहू ने बात न मानना को नहीं सासू ने बात न मानना, ज्योतिषी की जो भी बात उनने वह मानना। तो बसुसरो फिर उसने करी जा मतलब बुढ़ी ने रोड़ा और वो इतना सुधार कदावगो। तो फिर बा बोली सासू बोली के मानना तो है ना बहू की और बेटा की सारी 36 कुंडली में लाई थी, उनकी कुंडली तो कत्ती दोनों ऐसे ही बैठगी और मन मेरी बहू की कुंडली कौन मिलवाई, जिद हमारे आपस में बनाए को नहीं दोनों की, जब मेरी यह कुंडली भी मिलवा ली हुई मैं तो मेरी लड़ाई को नहीं हुआ आपस में के बेरा कौन सो ग्रह रूस रे से मारते करा खड़ी खड़ी बोली तड़का देखूंगी ज्योतिषी जो मार घर को ज्योतिषी से न जो सारी बार मारा हुआ है उससे मैं बुझ की मर्जी में कुंडली मिलवाऊंगी। तो फिर वो सुसरा बोले रहे देन कुंडली कंडली कोनी किम्मा कोनी कुंडली हम धरे मैं तेरे दिमाग का तार ढिला हो रहा से। जब वह बहू बोली आके एक बिल्ली की शेरणी की कदे कुंडली मिल सके, तो बोली बिल्ली किसने कही बिकी बिल्ली मतलब बिल्ली ने तो ही कही। तो फिर वो सुसरा बोले अन तेरे दिमाग का तार ढिला से कि ना इसमें दो को नाम लियो सर शेरणी को भी लियो सर बिल्ली को भी, तो शेरणी को करनी तो कोचा लीन तो हमेशा उल्टा बल क्यों चल रहा है, तो बिल्ली का नहीं ध्यान चले गए तेरे शेरणी का नहीं को नहीं गए कि मेरे तन शेरणी कर दी हो तो तू हमने कती बर्बाद करके छोड़ देगी। तो फिर बोली मेरा तो कर्म फूट गया, मैं तो तेरी कुंडली में लगवा ली हूँ ताज मन दिन को देखो पढ़ाई सुननी को नहीं पढ़ाई अपनी दोनों ही कुंडली को नहीं मिलवाई। फिर वह कुंडली पर फिर अटक गया कि हाँ अगर अपनी दोनों ही कुंडली मिलवा ली हुई तो तू तेरा और मेरा विचार एक सा पाऊंगी, इनमें कुंडली मानना हूँ तू मानना को नहीं। हाँ उल्टा बोला सारी बार जिद वो कहा सा हाँ मिलवा ले तो मेरी भी गल छुटी रहे मन को बोलना पड़े ना मेरा भी तेरा जिस को नहीं रहे कुंडलियाँ चक्कर में पड़न वाले बल तड़का मैं ज्योतिषी बुलाऊंगी। तो उसने अगला दिन अपना वो ज्योतिषी बुला लिया, ज्योतिषी ने बोली न्यू देख मारी कुंडली देख दोनों सासू बहुआ कि मारी लड़ाई क्यों हुआ से कौन सो ग्रह रूस रहे से शनि नाराज से मंगल नाराज से क्यों नाराज से। तो वो मारा माथा माथे बोले सासू की बहू की कुंडली कदे एक हुई ना कठो छोटी मोटी उन्नत कठोरा नूस है कदे किसी बात पर कदे किसी बात पर थोड़ी बहुत होया भी ना रहे कौन तो के हर बार ज्योतिषी कन जागी मैं तो घर की बात तो घर में सो जानी पड़ेगी।
तो मन मन में सोचा थारी के सोचो मन तो अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी कि मेरी कुंडली में के चल रही है जो मन तार घर ना आना पड़ गयो और वो भी किस बात पर सास बुआ की लड़ाई से उस पर कुंडली देखू। हाँ तो वो मन मन में सोचा तो आप बुढ़िया बोली कैसा बता देख के बोले आज कौन तड़का बताऊंगा सोच के आऊंगा तड़का। तो बोली ठीक है तो वो सारी रात नहीं सोची गए हो दिखा इन तो मेरी गर्ल कर छुटो उनकी कौन ज्योतिषी की कौन उनकी कौन सोचे सास बहुआ की वो नहीं सोचा कि मैं इस घर तो मेरी गर्ल कद छुटे। तो फिर अगले दिन आए आए तो बोले उसने बुढ़िया ने बुढ़िया बोली बता के सोच के आए हो। तो बोले एक उपाय तो सह था दोनों कुंडली ठीक करने में जब बहू रे वो बुढ़ा था बुढ़ो था वो तो बोलो कि मैं जरूरत को नहीं हमने कि मूजन की जरूरत को नहीं मारी कुंडली सबकी ठीक से मामी कि मैं कौन करा जब बुढ़िया बोली ना घर में शांति रखने खातर मैं जरूर करूँगी बता मैंने केस है। तो फिर बोले हरी बिल्ली को दूध और मोटरसाइकिल पर खड़ी लाल गान प्या जित तक लड़ाई खत्म हुआ। तो वह बहू बोली कितो लाल घास और लाल घास है तो मोटरसाइकिल पर कित खड़ी होगी हरी बिल्ली भी कितना आएगी ये हाँ मिलने वाली बात को नहीं है ये किन्मा चीज को नहीं मिले बोली ना मानूंगी को नहीं मैं तो या कितन कितना टोकी मानूंगी मैं लाल गा भीर बिल्ली भी और मेरे घर की शांति खातर तो वो बुढ़ा बुढ़ी फिर जीत पड़ा। तो वो फिर बोले ओके सर ज्योतिषी था वो बोले रण देवी में तार घर की महाभारत सुनने को नहीं आ रहे हो मन ना जो बात थी वह बता दी तार तो होगी तो ठीक से और ना होगी तार को मीटर लड़ाई कह के वो चले गए। तो उसने सारा पोस्टर लगवा दिया बाजार में भाई लाल रंग की कोई भी गा मोटरसाइकिल पर खड़ी दिख है तो मैंने बता दियो और भाई सब रिश्तेदारियां बता दी और कैसे वो उसी हरी बिल्ली तो वह सारा टो है हरी बिल्ली कितना कौन पाई हरी बिल्ली की तो पाव तो वो बुढ़ा ने कहा कितना कौन है हरी बिल्ली अरे चक्कर न छोड़ दे बोली ना मैं तो हरी बिल्ली तो टोए की मानूंगी कौन पाई हरी बिल्ली। तो उसने फिर दिमाग लायो धोली बिल्ली पर हरे रंग घेर दी उनको दूध काट ली यूं कौन देखा कि बिल्ली पर रंग घेरेगी तो बिल्ली भी दुख पाओगी बोली मैं दूध काटूंगी धोली बिल्ली पर रंग घेरूंगी अरे। फिर गई हूँ पंडित जी तो ज्योतिषी तो ज्योतिषी ने बोली अरे बिल्ली तो कितना कौन पाई पर मैं धोली बिल्ली पर रंग घेर की मैं दूध काट ले आऊंगी बलाल बाती तो बिल्ली रंग घेरा हुआ कौन अरे बिल्ली रंग घेरा लिया तो तुम दूध कौन का दंड और ना तो तुम हरी बिल्ली को दूध मिले और ना मोटरसाइकिल पर लाल गा मिले बन मोटरसाइकिल पर कौन और वह उस डांस से जिस तरह सास बहू की लड़ाई से सास बहू की लड़ाई कोई भी करना भी मतलब कोई भी हो जाए किस बात पर भी हो जाए उन्हें तो करना रहना है तो ज्योतिषी तो कितने घबरा होगी वह लड़ाई तार घर में ही सूझ जाएगी आपस की बातें तो ज्योतिषी तो कौन सूझ जाए वह तो जिस तरह ऊंट का मुंह जीरा का बराबर बात से तो इन ज्योतिषियों में भी किमना ना धरियो हाँ घर की बात खाता ज्योतिषी का बराऊंगा अब ज्योतिषी तो रहा हंडी जार करना खुंड बजाई जा और जागी तो रोज बात जागो जागी तो बच जाएगा उसने वो हंडी है सनी करती तो ज्योतिषियों का भाई चक्कर में जो भी कोई पड़ा है उसकी यह हालत हो सारी वाणा ने राम राम कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो।